महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज 2 साल से क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए अनशन कर रहे हैं। महाराज ज्ञानदास जी 1 साल पहले लगातार अनशन पर बैठे थे और तब प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वासन देते हुए अनशन खत्म करवाया था, लेकिन 1 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। इसलिए एक बार फिर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज जी ने मोर्चा खोल दिया और वो नदी किनारे बैठकर कड़कड़ाती धूप में जाप कर रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी ने। गंगा से भी बड़ा महत्व क्षिप्रा नदी का माना गया है और क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं आज कड़क कड़ाकती धूप में भी मोक्षदायिनी क्षिप्रा को शुद्धिकरण को लेकर अनशन पर बैठे हैं। जाप ताप कर रहे हैं कि कैसे भी करके मेरी माँ जो क्षिप्रा है उसको शुद्ध किया जाए। जिस प्रकार हम हमारी माँ का स्वच्छता के साथ अच्छे से ख्याल रखते हैं, वैसे ही मेरी माँ का भी मैं ख्याल रख पाऊँ, क्योंकि क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर लगातार कई आवाज़ें तो उठी हैं, सरकार भी ध्यान दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि तैसी क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर मामला अटका हुआ है। महाराज जी, आप लगातार अनशन पर बैठे हैं, क्या कहें? माँ क्षिप्रा के पावन तट पर मैं आज यहाँ बैठा हूँ। नित्य यहाँ संत महात्मा श्रद्धालुगण लाखों हजारों, यहाँ पर्वों के ऊपर लाखों लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, जो कि इस माँ क्षिप्रा का जो महत्व है गंगा से भी बड़ा है। गंगा पापनाशिनी और क्षिप्रा जी मोक्षदायिनी, जो इसमें स्नान करता है उसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसी आशा को लेकर के हम जब यहाँ माँ क्षिप्रा के आंचल में गंदगी को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है, और उस दुख दर्द को देखते हुए माँ क्षिप्रा के लिए हमने पिछले कई महीनों से ये उपवास कर रखा है। और मैं ये कामना करता हूँ कि माँ हमारी कामना को आप पूरी करें, जल्दी से जल्दी ये जो गंदगी आपके आंचल में है ऐसे सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी आपका जल स्वच्छ हो, लोग इसको आचमन करें। महाराज जी, कई सरकार से भी आपने अपीलें की है, कई मंत्रीगण से की है, विधायक से की है, क्या आश्वासन मिला है अभी तक? हाँ, आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान की स्थिति है आप देख रहे हैं, घाटों पे गंदगी है, जल में भी पूरा आप देखेंगे हाथ में लेकर के तो देखो कितना वो स्वच्छता है नहीं इसके अंदर बिल्कुल भी। तो जितने दावे हैं वो उनके स्तर से कर रहे हैं, पता नहीं किस स्तर से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, लेकिन जो देखने में जो आ रहा है अभी तक कोई किसी प्रकार का विशेष कोई इसमें स्वच्छता का कोई काम नहीं किया गया। तो महाकाल के ऊपर इन्होंने पूरा छोड़ दिया है कि बाबा महाकाल ही क्षिप्रा शुद्धिकरण का कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।